अगेन वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, ये आज दूसरा लेक्चर आया हुआ है। दूसरा मतलब ऐसा मत समझिएगा कि सेकंड लेक्चर, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर आया हुआ है। और इस लेक्चर में आज आपसे हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, इक्की पोटेंशियल सर्फेस। याद होगा आप लोगों को, जब इसके प्रीवियस ईयर के पहले वाले बोर्ड एग्जाम में एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है उसका इक्की पोटेंशियल सरफेस ड्रा करो, या फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायग्राम होता है वो कैसे होता है, कुछ क्वेश्चन वो एसी से रिलेटेड था स्टूडेंट। तो ये आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्की पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, व्हाट इज द इक्की पोटेंशियल सरफेस और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। आपको क्या क्या सीखना, सबसे पहले समझिए ध्यान से, इक्की पोटेंशियल सरफेस आपका होता क्या है, इसको फील करना, डिफिनेशन आपको बता देंगे, बहुत इजी होता है, बट इसका मैं सोचता हूं कि आप लोगों को फील मिले। और 100% मैं बताता हूं कि आपको फील में देके ही जाऊंगा। आज इस लेक्चर में इक्की पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा आज के बाद इस लेक्चर को देखने पर। बस आप क्या करें, जितनी भी बातें मैं आपको बोर्ड पे राइट करता हूं, प्लीज उसको क्या करिए, कॉपी पर राइट कर दिया करिए, ठीक है। और इसके बाद इक्की पोटेंशियल सर्फेस होता क्या है इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे, और इसकी कंडीशन क्या होती है, एक कौन सा कंडीशन होता है जिस पर आप ये कह सकते हैं कि हाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, वो स्पेशल कंडीशन, इसमें आप राइट किया हूं कंडीशन। तो कंडीशन क्या है स्टूडेंट, उसके बारे में समझना है। और लास्ट में आपको हम बताएंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस। सो प्लीज वॉच टू बीटू टिल द एंड लर्न द होल कॉन्सेप्ट। अगर बच्चों आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपको फिजिक्स नहीं आती है, फिजिक्स को फील करना चाहते हैं, फिजिक्स में आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी जितने भी वीडियोस को शेयर कर दिया करिए और हर वीडियो को देखते जाइए। आपको मैं 100% कहता हूं कि आप जब एग्जाम होगा लास्ट तक, तब तक आपको फिजिक्स के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो, और हर एक कॉन्सेप्ट आपको फेल करते हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो रटने वाला हो, आप रटके नहीं जाएंगे, आप समझ के जाएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएंगे। और जिस दिन आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उस दिन अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में जाने पर आप जितना भी अच्छा हो सके उतना करके आएंगे, 100% आप बेटर करके आएंगे, ये एक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। सो प्लीज लव टू फिजिक्स, फील टू फिजिक्स एंड रियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। अगर ये सब आपके अंदर है और इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख लीजिएगा और देखने के बाद इसको शेयर कर दिया करिए, या फिर नहीं देखते हैं उसके पहले शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आई एम ए न्यू ट्यूबर, मैं बहुत ओल्ड नहीं हो चुका हूँ, ठीक है, सॉरी मेरा चैनल ओल्ड नहीं है, एक न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करवाइए जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। आपके पास जितने भी फ्रेंड वगैरह वगैरह करके हूँ, सबके पास क्या करिए, चैनल के लिंक को शेयर करिए, ओके स्टूडेंट। सो लेट स्टार्ट द क्लास। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखिए बिल्कुल डिफिनेशन जो राइट हुआ है एकदम एक्यूरेट डिफिनेशन है, और हेडिंग देखो कुछ तरीके से, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, यानी कि पोटेंशियल इक्वल होगा सर्फेस पर। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर आपको कोई ऐसा सरफेस मिल जाए, अगर आपको कोई एक ऐसा सरफेस मिल जाए जहां पर पोटेंशियल सेम हो, जहां पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो डिफिनेशन स्टूडेंट ये है, द सरफेस एट वेयर द पोटेंशियल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि एक ऐसा सरफेस आप बना लीजिए, आप एक ऐसा सरफेस बना लीजिए कि जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा मिले, कांस्टेंट मिले, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी कि पोटेंशियल समान होगा हर पॉइंट पे, पोटेंशियल क्या होगा, समान होगा। वो कैसे होगा, आपको हम रियलाइज कराते हैं। देखो स्टूडेंट, ये आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां से क्या हो रही है, सभी फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। तो यहां से मैंने किसी डिस्टेंस पर, यहां से किसी डिस्टेंस पर एक सरफेस ड्रा कर दिया, देखो ये। अब आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला वी इक्वल टू होता है 1/4πε0 * q/r,
v इक्वल टू 1/4πε0 q/r। ये तो होता है। अब यहां से r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर आप पोटेंशियल निकालो, तो जो ये सरफेस हो रहा है, दिख रहा है ये सरफेस, इस पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। बिकॉज देखो चार्ज पर रिमेंस कांस्टेंट, चार्ज तो सेम है और r भी क्या मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है। तो आप इस पर जो ये सरफेस दिख रहा है इस चार्ज से r डिस्टेंस पर, आप इसमें कहीं पर भी, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां, जिस जगह पर अगर आप पोटेंशियल को चेक करना चाहेंगे सेम आएगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, v इक्वल टू 1/4πε0 q/r। अब यहां पर नहीं, आप यहां पे चले जाओ, r डैश डिस्टेंस ले लो, देखो अब इसके बाहर एक और ले लिया गया यहां पे, तो यहां पर भी क्या होगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस r के प्लस पे क्या हो जाएगा, r डैश हो जाएगा। तो कहेंगे सर फार्मूला तो वही लग रहा है, चाहे मैं यहां पे चेक करूं पोटेंशियल चार्ज क्यू से, चाहे यहां पे, चाहे आप कहीं पर भी आप चेक करना चाहेंगे, तो पोटेंशियल क्या मिलेगा यार, सेम ही तो मिल रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, क्लियर होगा। ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे आप एक सरफेस कोई और ड्रा कर दीजिए, ये देखो, देखो अब यहां पर भी अगर आप चाहेंगे पोटेंशियल निकालना, जो बाहर मैंने सरफेस ड्रा किया डॉटेड लाइन से, वहां पर भी क्या होगा, आपको पोटेंशियल सेम ही मिलेगा, पोटेंशियल में चेंजमेंट नहीं होगा। और यही तो कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसी को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल और दे दूंगा, अभी तो एक सिंगल चार्ज प्लस क्यू का बनाया गया है, एक प्लस क्यू चार्ज है, उससे इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ किस तरीके से बनता है, उसका मनी डायग्राम यहां पे बना के दिखा रहा हूं। अभी एग्जांपल में लास्ट में और भी बताऊंगा कि अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज हो, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो उन सबका इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से होता है उसमें बात करते हैं। बट उसके पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा कंडीशन देख लेते हैं कि एक्चुअली में इक्विपोटेंशियल सरफेस होने का कंडीशन क्या है। तो स्टूडेंट्स के प्रीवियस लेक्चर में, जस्ट इसके पहले वाले में, मैं आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पे कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, ये क्या है पॉइंट बी पे पोटेंशियल, ये क्या है पॉइंट ए पे पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस है। लेकिन आपको क्या बताया गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फॉर फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होगा स्टूडेंट, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी भी सेम तो होगा। अब ये क्या हो जाएगा, वी ए वी भी सेम है तो कट जाएगा ना, तो कितना आएगा, जीरो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, क्लियर। तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएल, तो इसको आप राइट कर सकते हैं ई डीएल कॉस थीटा। अब मैं कह रहा हूं कि इस पूरे की वैल्यू कब सेम, कब जीरो होगा, जीरो तब होता है जब कॉस थीटा कर टू क्या हो, जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होने का कोई चांस बनता ही नहीं जल्दी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां से आएगा, डीएल तो होगा, बट ये कॉस थीटा वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। और ये कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब कॉस थीटा कर टू क्या हो जाए, कॉस 90, यानी कि थीटा कर टू क्या हो जाएगा 90। इसके कहने का मतलब यह था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लीनियर लेंथ और लीनियर वेक्टर, ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सरफेस की परपेंडिकुलर होता है। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वही डायरेक्शन होगा, तो ये क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगेन रिपीट, ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, द सरफेस एट वेयर द पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि एक ऐसा सरफेस जहां जिसके हर एक पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इस मैंने प्लस क्यू चार्ज का बनाया, मैंने का प्लस क्यू चार्ज है, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक सर्फेस ड्रा करिए, हर पॉइंट पे क्या होगा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, पोटेंशियल सेम आएगा। इसके अलावा और भी ऊपर जाते रहेंगे तो आपको क्या होगा एक ऐसा सर्फेस मिलेगा जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। तो इसके बाद इसके मैंने कंडीशन की बात की, ये कंडीशन है, हमने कहा इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे क्या होता है कि वी इक्वल टू वी बी होता है, जीरो हो गया। तो इसको मैंने यहां पे किया, हमने कहा इसका फॉर्मूला क्या होता है एडियल कॉस थीटा, आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो जब ये इतना हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा एडियल कॉस थीटा, एडियल कॉस थीटा, क्लियर हुई बात। हमने कहा भाई ये पूरा जीरो तब होगा जब कॉस थीटा क्या हो जाए जीरो, तो इसका मतलब थीटा कर्व क्या हो गया 90, जब थीटा कर्व 90 ये आ गया इसका मतलब ई और डीएल के बीच का एंगल कितना बना रहा होगा 90 डिग्री, कितना बना रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो मस्ट बी वेक्टर ई धरती पर, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लीनियर वेक्टर डीएल और मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो सर्फेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एग्जांपल और भी कितने हैं, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसके पहले क्या करें स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, ओके ओके स्टूडेंट। तो ये रहा कुछ एग्जांपल इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो ये आपको बना के दिखाया गया है, ये पैरेलल बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर चार इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। अगर आपके पास दो लाइट चार्ज हो, या कह सकते हैं टू पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज, टू लाइट चार्ज हो, तो उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता हो थोड़ा ध्यान से देखिए। प्लस है ये क्या, प्लस आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, प्लस ऐसे दूर भागती है, देख रहे हो ना, ये इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो यहां पे भी क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, यहां पे भी क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, यहां पर भी क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम, इस पे भी क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम, और ये बाद में मिलती हुई दिखाई देती है बाहर, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट है एक पॉजिटिव एंड निगेटिव, इक्वली टू अपोजिट चार्ज, इक्वली टू अपोजिट चार्ज, ठीक है। प्लस हो क्या हो माइनस हो, ये सब बात आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस निकलती है माइनस में अंदर जाती है, तो बहुत नॉर्मल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे ड्रा कर देना, यहाँ पे भी क्या कर देना ड्रा कर देना। अगर इसका देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा हर जगह पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल आप इक्विपोटेंशियल सरफेस, और भी ऐसा एग्जाम्पल है आप ट्राई करिएगा, ठीक है, और उसमें भी आता रहेगा। और अब मैं बात करता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो प्लीज क्या करिए बच्चा, इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर आपको समझाते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है। तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी को मैंने राइट किया, उसको भी कॉन्सेप्ट को समझाएंगे भी, ठीक है। ऐसे जो मैं यहाँ पे राइट कर दिया हूं, इसको आप ऐसे नहीं समझेंगे रट लेंगे, ठीक है, रटने वाला काम यहाँ पे नहीं होगा, हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, द वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ओवर द सरफेस इज वॉट जीरो। इसके कहने का मतलब यह है कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, सपोज दैट ये मैंने बना दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आपने क्या किया यहां पे दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या लिया बी। जब किसी चार्ज को आप ए से बी पे ले जाते हो, व्हाट एम आई सेइंग, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और जब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप किसी भी टेस्ट चार्ज को उठा करके ए से कहां ले जाते हैं बी पर, तो जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा जीरो। वही बोला, द वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज व्हाट जीरो, यानी कि अगर किसी टेस्ट चार्ज को सरफेस के ऊपर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं, तो जो आपका वर्क डन होता है वो कैसे होता है जीरो होता है। अब वो कैसे होता है उसको समझिए, पहले अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे आपका फॉर्मूला होता है
कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। जब ये पोटेंशियल सेम है यानी कि वी वी है तो ये पूरा वैल्यू खत्म होकर कितना आ गया जीरो। सो जीरो का डब्ल्यू कितना हो गया डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से डब्ल्यू का डब्ल्यू कितना आ गया जीरो। वर्क डन जीरो आया कि नहीं आया, यानी कि किसी भी चार्ज को अगर आप सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाते हैं तो इक्विपोटेंशियल की सॉरी वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो। ये तो पहला पॉइंट है, आपको समझ में आ ही गया होगा ठीक है ना। ओके सेकंड पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं पर भी कट नहीं करती है, कहीं पर भी कट नहीं करती। रीजन ये आपको बताया गया पुराने वाले बार कि जहां पर कट करेंगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन होगा दो, जो कि पॉसिबल कभी होता नहीं, ये तो आपको पता ही होगा ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कहीं पर कट नहीं करती, वाई बिकॉज अगर जहां पर भी कट कर देती है वहां पे कितने डायरेक्शन होते हैं दो डायरेक्शन, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड समझ में आया ओके। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अभी आया था कि जो वेक्टर ये होता है, देखो आप सरफेस सपोज कर लीजिए, सरफेस का क्या करिए सपोज कर लीजिए और यहाँ पे छोटू सा लेंथ लेकर के देखेंगे अगर फील्ड लाइन को, तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये डीएल आपका इधर हो गया, ये क्या होता है ऐसे परपेंडिकुलर होता है ठीक है। तो अभी आया भी था, कंडीशन था ना आपको ये मिला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसके पहले भी जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर किसके होता है डीएल का, जस्ट आई टोल्ड यू अभी बताया कुछ देर पहले ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस रिमेंस कॉन्स्टेंट। बहुत ही ये तो नॉर्मल सा बात है कि वी हमारा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ठीक है ना। सरफेस पर जो इक्विपोटेंशियल होता है वो क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है ठीक है। तो अगेन रिपीट द वर्क डन टू मूव बट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अंदर पॉइंट ओवर द सर्फेस वॉट जीरो। वाई बिकॉज वी इक्वल टू वी बी, सो वी माइनस वी कर दीजिए डब्ल्यू पॉइंट क्यू नॉट हो जाएगा, खत्म होकर जीरो आ जाएगा। आपको पता हो गया ये, अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज करिए क्या करिए पॉज करिए बाइक जाइए फिर देखिए मजा आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, यानी कि जो पोटेंशियल सरफेस होता है वो कभी कट नहीं कर सकती। वाई बिकॉज जहां पे भी कट करेंगे कितना डायरेक्शन होगा दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और अगला मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू, अभी मैंने इसके पहले कंडीशन बताया था, कंडीशन है ना ये आपको पता होगा, ये तो डेफिनेशन है भाई, ये क्या है डेफिनेशन है ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता होगा वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने इसे पूरा देखा होगा ठीक है, और शेयर भी करिए, वॉच करिए, शेयर करना मत भूलिएगा ठीक है, अपने स्टेटस पे लगाइए जो भी कुछ भी करना हो ओके। तो इसके बाद हम फिर बात करते हैं कल के लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिससे कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। सो प्लीज थैंक यू।